जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम आंखों की परेशानी के बारे में, जो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है या बहुत ज्यादा आंखों से पानी बह रहा है। स्पेशली जो ये फरवरी मार्च का महीना होता है, इस टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि आंखों से लगातार पानी बहना, इचिंग, इरिटेशन, प्रेशर और डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, बहुत अनईजी फील होता है, आंखें जो है थके थके महसूस करती है। तो उसके लिए क्या आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे कि मेडिसिन कैसे वर्क करती है, क्या लक्षण होते हैं। तो बहुत अच्छा एक्शन करती है और मैं आई ड्रॉप भी बताऊंगी जिससे कि आपको पूरा बेनिफिट मिले। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको लाभ पूरा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको चैनल का पूरा लाभ मिल सके। तो बात करते हैं इसी तरह की मेडिसिन जो आपकी आईज की इस तरह की प्रॉब्लम, आंखों से बहुत जो लगातार पानी बह रहा है और डिस्कम्फर्ट जो फील हो रहा है, आंखों का पानी एक्रिड भी है यानी कि जहां पर भी जा रहा है वहां पर इरिटेशन कॉज कर रहा है या वहां पर निशान छोड़ रहा है या बर्निंग कॉज कर रहा है या प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, तो उसकी जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया एक के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन करती है और अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, लगातार पानी बहना, इचिंग, इरिटेशन या हल्की रेडनेस भी आ रही है और आईज को बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आई थकी थकी महसूस कर रही है, तो मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये मेडिसिन तब भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है जब आंखों से जो पानी बह रहा है लगातार पतला बह रहा है और वो एक्रिड तरह का, यानी कि वो जहां पर भी लग रहा है उसका डिस्चार्ज वहां पे कहीं ना कहीं कुछ इरिटेशन, इचिंग या बर्निंग जैसे सेंसेशन ला रहा है या जहां पे भी वो पानी लग रहा है वहां पर डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, बहुत अच्छा काम करती है। अगर इस प्रॉब्लम के साथ किसी को हल्का जुकाम भी है या छींके भी आ रही है, नोज से भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। अभी का जो समय है जब आपको पराकणों से या छोटे छोटे से जो कीट होते हैं वो गिर जाने से अगर समस्या हो रही है, आंखों में हल्का लालपन भी आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आंखों को बिल्कुल भी मत लीजिए ना। सबसे पहले अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, आप बाहर से आए हैं और आपको आंखों से लगातार पानी बह रहा है, तो आपको दिन में 2 से 3 बार अपनी आंखें जरूर धोनी है, वो भी ठंडे पानी से। उसके बाद अगर लगातार पानी बह रहा है तो उसके लिए आप एक अलग कपड़ा रखें, उसको धीरे से साफ करें। दोनों आंखों के लिए, अगर दोनों आंखों से बह रहा है तो दोनों आंखों के लिए अलग अलग कपड़ा यूज करें, क्लोथ यूज करें, और अगर एक आंख से बह रहा है तो उसका दूसरी आंख पर ना लग जाए क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो थी सावधानियां। अब यूफ्रेशिया 30 अगर इस तरह की समस्या है तो आपको कैसे लेनी है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं आप सुबह, दोपहर, शाम करके। प्रॉब्लम अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको डिस्चार्ज हो रहा है, रेगुलर आंखों से पानी बह रहा है, तो आप इसको 2-2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। साथ में अगर आईज में बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यूफ्रेशिया की आई ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। आई ड्रॉप आपको 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार डालनी है, दोनों ही आंखों में डालनी, चाहे आपको एक आई में भी इन्फेक्शन हुआ हो, दोनों आई में डालना जरूरी है, नहीं तो एक आई से जो इन्फेक्शन है वो दूसरे आई में जाने का खतरा रहता है। तो दोनों आई में डालिए, दोनों आई में प्रॉब्लम है तो आपको दोनों आई में डालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यूफ्रेशिया आई ड्रॉप अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यूफ्रेशिया मदर टिंचर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूफ्रेशिया मदर टिंचर को यूज करने का तरीका क्या है वो जान लीजिए। आपको रोज वाटर की जरूरत होगी, इसके लिए आपको रोज वाटर कितने ड्रॉप्स लेनी है, 9 ड्रॉप्स और 1 ड्रॉप यूफ्रेशिया मदर टिंचर का लेना है, यानी 9:1 का रेशियो रखना है आपको रोज वाटर और यूफ्रेशिया मदर टिंचर का। इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी भी छोटी सी जो बॉटल होती है जिसके ऊपर ड्रॉपर लगा होता है उसके अंदर डाल सकते हैं इसी रेशियो में, 9 पार्ट्स आपको रोज वाटर के डालने और 1 पार्ट आपको यूफ्रेशिया मदर टिंचर के डालने, ये डालकर आप मिक्स करके रख सकते हैं और उसको जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं, ये भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो रेडीमेड यूफ्रेशिया आई ड्रॉप तो आती है, उसको यूज करके आप इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो यही था वीडियो, आंखों की जो भी प्रॉब्लम है, आंखों से लगातार पानी बह रहा है, उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत यूजफुल रहता है, जरूर यूज कीजिएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताएगा, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।